इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट शाही रोड सावरकर चौक ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार स्टेशन रोड ऑफिसर हॉस्टल के बगल में सिविल लाइन ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बांसी ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत पाली बाला बेहट मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत में दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार चार व्यक्ति हुए गंभीर रूप से घायल, जिन्हें पास के ही विरदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया है। यहां प्राथमिक उपचार के बाद दो बाइक सवार लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ललितपुर के जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के मुंह में अधिक चोट आई थी। तहसील पाली से ललितपुर लाइव टीवी के लिए प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कहां से आ रहे थे? बमोरी से। बमोरी से कहां जा रहे थे? पाली। कहां लग गए तुम्हें? उड़ी में लगी। तुम कहां के? क्यों? ललितपुर। कहाँ से आए थे? ललितपुर से। पाली। साथ में बैठे थे तुम? पीछे बैठे चला रहे थे गाड़ी? हम पीछे बैठे थे। कहाँ लगा लगी चोट? चलो चलो ठीक है। ललितपुर जिले में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, जिसमें जनपद तहसील में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुनी जन शिकायतें, जिसमें फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ललितपुर जिले में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल को भारी नुकसान, जिसको लेकर पीड़ित किसानों ने बर्बाद फसलों का सर्वे कराकर उसका उचित मुआवजा दिलाए जाने की प्रशासन से मांग की। ललितपुर जिला महिला चिकित्सालय ने NQAS सर्टिफिकेशन के बाद अब मुस्कान अवार्ड जीता। ये उपलब्धि हासिल करने वाला जिला महिला चिकित्सालय प्रवेश का तीसरा और पूरे मंडल में इकलौता अस्पताल रहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JS बख्शी ने बताया कि प्रदेश में 3 फैसिलिटी को मुस्कान अवार्ड प्राप्त हुआ है। ललितपुर नगर में मां कर्माबाई जयंती पर कलश यात्रा के साथ निकाली गई शोभा यात्रा और हर्षोल्लास से मनाया गया मां कर्माबाई जन्म जयंती महोत्सव। ललितपुर जिले के कस्बा मैरोनी में मुनि श्री सुधा सागर महाराज की हुई भव्य अगुवानी, जहां मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पदयात्रा करते हुए मैरोनी कस्बे में पहुंचे, जहां जैन समाज ने उनकी अगुवानी की। इस अगुवानी में टीकमगढ़ जैन समाज, ललितपुर जैन समाज के अलावा भी आसपास के क्षेत्रों के अन्य जिलों से आए जैन समाज के लोगों ने महाराज जी की भव्य अगुवानी की। ललितपुर में करुणा इंटरनेशनल केंद्र द्वारा गौरैया संरक्षण अभियान केंद्र अध्यक्ष अक्षय अलिया की अध्यक्षता में शुरू किया गया, जिसमें बच्चों को गौरैया घोंसले बनाने के लिए प्रेरणा दी गई। नगर के सियादवाद बाल संस्कार केंद्र में प्रधानाचार्य सीमा जैन और करुणा क्लब प्रभारी मेघा जैन के निर्देशन में बच्चों ने गौरैया घोंसले बनाए, जिन्हें बच्चों ने विद्यालय की सियादवाद वाटिका में लगाया, जिससे वे प्रातः काल जब स्कूल पहुंचे तो उन्हें पक्षियों और गौरैया की चीं 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 मधुर आवाज सुनाई दे। केंद्र अध्यक्ष अक्षय अलिया ने बच्चों को प्रेरणा दी, गर्मियों के दिनों में घर की छतों पर पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य रखें, जिससे पक्षियों के लिए गर्मी में प्यास से बचाया जा सके, और घरों में गौरैया घोंसला लगाएं, जिससे गौरैया का संरक्षण हो सके। नन्हे मुन्ने बच्चों ने गौरैया संरक्षण के लिए यह घोंसले लगाए हुए हैं और विश्व गौरैया दिवस को सफल बनाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा, और गर्मियों में बच्चे इनमें पानी रख करके गौरैया के लिए उसका संरक्षण करेंगे। पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मियों की चल रही हड़ताल से विद्युत व्यवस्था लड़खड़ाई, उसी क्रम के चलते ललितपुर में भी विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जिले के कुछ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 24-24 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही।
जिससे बिजली को लेकर बिजली उपभोक्ताओं में मची हाहाकार और दिन भर विद्युत अधिकारियों के उपभोक्ता लगाते रहे फोन, नहीं मिला जवाब। हमारी जो मांगे हैं वो 14 सूत्रीय मांगे हैं जो दिसंबर में ऊर्जा मंत्री के साथ लिखित समझौता हुआ था, जिसपे उन्होंने सबने हस्ताक्षर किए थे, सहमति बनी थी। उन मांगों को 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी मांग पर गंभीर रूप से विचार नहीं किया गया है, ना ही कोई मांग लागू की गई है। अभी तक 2-3 दौर हो चुके हैं वार्ता के, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए हड़ताल जारी है। अगर इस प्रकार की कार्यवाहियाँ की जाती हैं और जो की गई कार्यवाहियाँ हैं वो वापस नहीं ली जाती हैं, तो ये हड़ताल जो सांकेतिक हड़ताल थी 72 घंटे की, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। और यही उनसे, प्रबंधन से यही अनुरोध है कि मांगों को जल्दी माना जाए और हमारे जो उच्च अधिकारियों नेताओं पर कार्यवाही की गई है उनको वापस लिया जाए। ये साथ तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख और खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाएं। जय हिंद, जय भारत।